नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। खबर रीवा से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ रीवा ने मुख्यमंत्री के नाम आयुक्त रीवा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के संबंध में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पारित करने के विषय में शिवराज सरकार 2013 से छल कर रही है। उसी संबंध में आज राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी है। आज आप लोग कमिश्नर कार्यालय आए, क्या उद्देश्य था? पूरे प्रदेश में राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर सभी अधिवक्ता संघ आज सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंप रही है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को विधानसभा में पारित कर कानून का दर्जा दिया जाए। 2013 से ये सरकार लगातार मजाक कर रही है, कैबिनेट में पास करती है पर विधानसभा में नहीं रखती, इसलिए अंतिम बार हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके बाद तो फिर लंबी हड़ताल। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।